सुप्रभात बच्चों, आज वर्ग अष्टम को संस्कृत के 18वें अध्याय को पढ़ाने जा रहा हूं। आज का विषय है समास। कुछ समस्त पद दे रहा हूं, उसका फिर विग्रह करके बता रहा हूं और वह कौन सा समास है उसका नाम भी बता रहा हूं। परीक्षा में इस प्रकार भी प्रश्न रहेंगे कि निम्नलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा तेषां नामानि अपि लिखतु लिखन्तु। तो इसमें देखिए, इसका हिंदी है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके उस समास के नाम लिखें। ठीक है, देखिए समस्त पद कौन सा है। आप लोगों को समस्त समास की परिभाषा एवं उसके भेद उदाहरण सहित लिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, आप लोग अवश्य स्मरण कर लिए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए आज उसका उदाहरण यानी विग्रह करने के बारे में मैं बता रहा हूं। जिस प्रकार हिंदी में करते थे उसी प्रकार आज संस्कृत में जो समास के विग्रह है वो इस प्रकार है। पहला है ग्रीवागत, इसका विग्रह होता है ग्रीम गृहम आगत। ये तत्पुरुष समास के द्वितीय विभक्ति का है, द्वितीय तत्पुरुष है। दूसरा है धनहीन, इसका विग्रह होता है सविग्रह धनेन हीन, यह तृतीय तत्पुरुष समास से है। अगला है विद्यार्थ, इसका विग्रह होता है विद्याय अर्थ। हाँ, ये है चतुर्थी व्यक्ति। चौथा है वृक्षापतत, इसका विग्रह होता है वृक्षात अपतत, ये है पंचमी तत्पुरुष। अगला है राजपुत्र, इसका सविग्रह समास राज्य पुत्र, या षष्ठी तत्पुरुष समास से है। अगला है कार्य निपुणः, इसका सविग्रह हुआ कार्ये निपुणः, यह सप्तमी तत्पुरुष समास से है। अगला देखिए, आ जाइए दूसरा समास। ये तत्पुरुष समास के जो भेद है उसके ये था वर्णन। अगला है देखिए पीतांबरम, इसका भी सविग्रह हुआ पीतम अंबरम या पीतम च तत् अंबरम, यह है कर्मधारय समास। हाँ, नील कमलम, इसका सविग्रह हुआ नीलम च तत् कमलम, ये भी कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला देखिए अनुपस्थितः, ये इसका सविग्रह हुआ न उपस्थितः, ये है नये समास। अधर्मः, इसका विग्रह होता है न धर्मः, ये भी नये समास है। मैंने आप लोग को मैं बता चुका था कि जिसका प्रथम पद नकारार्थक हो, यही बात है। अगला देखिए त्रिफला, अब ये देखिए ये द्विगु समास के उदाहरण है, क्योंकि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो तो त्रिफला का होता है त्रयाणाम फलाणाम समाहार, ये है द्विगु समास। पंचवटी, पंचाणाम वडाणाम समाहार, ये भी द्विगु समास है। पंचपात्रम, पंचाणाम पात्राणाम समूह, ये भी द्विगु समास है, क्योंकि सभी के पहला पद संख्यावाचक था। अब आ जाए द्वंद समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो। तो देखिए इसके हैं राम लक्ष्मण, राम च लक्ष्मण च, ये है द्वंद समास। माता पितर, माता च पिता च, द्वंद समास। हिंदी में कहते हैं माता और पिता, यह द्वंद समास। पानीपादम, पानी च
पादौ च, ये द्वंद समास है। पानी मने हाथ, पाद मने पैर, यही हुआ हाथ और पैर, ये द्वंद समास के उदाहरण है। अगला देखिए, पीतांबर, हाँ तो आपने देखा कर्मधारय समास में भी मैं उदाहरण दिया पीतांबरम का, तो यहां भी पीतांबर है, लेकिन दोनों का विग्रह अलग होता है। इसका विग्रह देखिए इस प्रकार होगा, पीतांबर पीतम अंबरम यस्य सह, यानी श्री कृष्ण जिसका अंबर इसका वस्त्र पीला हो, यह बहुभ्री समास। अगला देखिए, दशानन, दस आननानी यस्य सह, यानी रावण, यानी हिंदी में देखिए दस आनन हो जिसका, यानी दस मुंह जिसका हो, तो दस मुंह तो रावण को था, तो अर्थात रावण हिंदी में हुआ। यह भी बहुव्रीहि समास है। एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको पढ़िए और देखिए, लंबोदर, लंबम उदरम यस्य सह, अर्थात गणेश, यानी जिसका उदर लंबा हो, अर्थात गणेश। यह है बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य सह, यानी शिव, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, अर्थात किसके शिखर पर चंद्रमा है, तो शिव के, शंकर के शिव। तो यह है बहुव्रीहि समास। तो आप लोगों को मैं समास की परिभाषा, भेद, उनके उदाहरण मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, उस पर जो आज प्रश्न है विग्रह करने के दिया हूं वो आज मैं बता दिया हूं, और आप लोग को होमवर्क में भी मैं यही दे रहा हूं, आप लोग घर पर इसे बनाइएगा, मैं इसको लिख करके भी भेज रहा हूं आपके होमवर्क पर, इसलिए इसको पहले स्मरण करें, बनावे तब लिखें।